किंग बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करके बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। कौन से बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो बाबर आजम ने इस मैच में अपने नाम किए हैं, तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बाबर आजम जो कि पहले दो मैचेस में फेल हुए थे, तो उनके जो हेटर्स थे उन्होंने बाबर आजम पर तनकीद करते हुए कहा था कि बाबर आजम ना तो सिर्फ कप्तानी के लायक नहीं है बल्कि बैटिंग के लिए भी लायक नहीं है। तो आज बाबर आजम ने ऐसी तबाहकुन बल्लेबाजी करके इन हेटर्स के मुंह बंद कर दिए हैं और इन्होंने साबित कर दिया कि क्लास परमानेंट होती है और फॉर्म टेम्पररी होती है। फॉर्म तो एक दो मैचेस के लिए अप डाउन हो सकती है, मगर क्लास अगर आपके पास बाबर आजम जैसी है तो फिर आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और किंग बन सकते हैं। तो दोस्तों, बाबर आजम ने आज के मैच में ना सिर्फ अपनी 14वीं सेंचुरी मुकम्मल की बल्कि आज इनको तकरीबन 50 रन चाहिए थे अपनी नंबर वन ओडीआई पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। अगर वो ना कर पाते तो कोहली नंबर वन की पोजीशन हासिल कर लेता।